लेट्स स्टार्ट। जो हमारी प्रीवियस सेशन थी .NET की, वहाँ पे हमने बात करी थी कि भाई आप प्रोग्राम बनाते कैसे हो, आप कैसे एंटर करते हो, कैसे इनपुट करते हो, कैसे डिस्प्ले करते हो, कैसे कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, रीड लाइन, रीड और रीड की में अंतर क्या होता है। उसके बाद हमने बात करी थी वहाँ पे उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में। आज हम लोग उप्स कॉन्सेप्ट को लेकर, मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट को लेकर प्रोग्रामिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलता हूँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा प्रोग्राम करके देखते हैं कि हम लोग काम कैसे करते हैं। सपोज करो ये हमारा एक क्लास है, ये हमारा एक क्लास है, कुछ भी मैं नाम देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ स्टूडेंट, ये हमने एक स्टूडेंट क्लास बना लिया, ठीक है। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में आप क्या डालोगे, भाई स्टूडेंट क्लास के अंदर में कुछ ना कुछ हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होंगे, अब जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ INT, मैं यहाँ पे बोलता हूँ पब्लिक INT रोल, मैंने यहाँ पे रोल डाल दिया। अब मान लो मैं स्टूडेंट का नाम भी लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे पब्लिक करके डाल देता हूँ, पब्लिक स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, नेम डाल दिया। तो मैंने स्टूडेंट्स का रोल ले लिया और नेम ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं एक दूसरा क्लास बनाता हूँ जो हमारा मेन क्लास होगा। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये जो हमारा स्टूडेंट क्लास है, इस स्टूडेंट क्लास के अंदर में ये जो हमारे रोल्स और नेम हैं इनको एक्सेस करना है। तो देखो, क्लास के अंदर कोई भी चीज़ अवेलेबल हो, यदि उसको आपको एक्सेस करना है, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करना होगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम बनाते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं क्लास नेम, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू, न्यू ऑपरेटर लगता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, क्लास का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, और ऑब्जेक्ट मान लो ऑब्जेक्ट मैं देता हूँ के इज इक्वल टू न्यू, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, स्टूडेंट। तो ये जो हमारा हमने यहाँ पे के बनाया है, ये के हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा के है, ये के क्या है, के हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे क्या करना है, क्लास के अंदर जो ये मेंबर्स हैं, ये रोल है यहाँ पे और यहाँ पे नेम है, मुझे उसको एक्सेस करना है। तो मुझे क्या करना है, रोल में वैल्यू देनी है, तो मुझे क्या करना है, मेंबर्स को कॉल करना है। तो कॉल मेंबर्स, यदि मेंबर्स को कॉल करना है तो आप क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेंबर नेम, ऑब्जेक्ट नेम और मेंबर नेम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, के, और जो हमारा मेंबर्स है वो क्या है, रोल। तो रोल में आप क्या करोगे, वैल्यू लोके दोगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देता हूँ, मैंने वैल्यू असाइन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे नेम में वैल्यू देना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, के डॉट नेम। अब मान लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ संतोष। तो मैंने यहाँ पे ये जो हमारे वेरिएबल्स थे, इन वेरिएबल्स के अंदर, इस एट्रीब्यूट्स के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्ले करने के लिए आप मास्टर आदमी हो इसके, सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और मुझे यहाँ पे क्या डिस्प्ले करवाना है, के डॉट रोल प्लस हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ के डॉट नेम। तो ये रोल और नेम दोनों को डिस्प्ले कर देगा। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, मैं इसे अपने ई ड्राइव के अंदर मैं सेव करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ ई ड्राइव में, और ई ड्राइव में मैं इसको सेव करता हूँ cl1.cs के नाम से, cl1.cs के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ। कौन सा कमांड प्रॉम्प्ट लेना है मुझे, मुझे लेना है यहाँ पे डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट, और ये जो डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट है इसमें मैं ई ड्राइव में आता हूँ, मैं ई ड्राइव में आ गया। अब ई ड्राइव में आने के बाद थोड़ा सा इसे चेंज कर लो, इसकी जो लुक एंड फील है ना, दिखता नहीं है, पता नहीं क्या। अब मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ, अब नज़र आएगा कम से कम। या अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इस अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। क्या लिखोगे, cl1.cs। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ cl1, अब मैं यहाँ बोलता हूँ cl1। अब देखो आ गया, आपने ये रोल दिया था और ये आपने नाम दिया था, वो हमारा काम कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हों, यदि आपको इसे कॉल करना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उसके मेंबर्स को इस तरीके से कॉल करेंगे। लेकिन देखो, ये जो तरीका है, ये तो हमारा पहला प्रोग्राम था क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, तो मैंने इस तरीके से आपको बता दिया। लेकिन
तरीका ये नहीं है कॉल, मतलब इस तरीके से हम लोग काम नहीं करते हैं। तो चलो मैं काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा आते हैं हम दूसरे प्रोग्राम के ऊपर। हम बोलते हैं cl2.cs। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये जो हमारा एट्रीब्यूट है, पहली बात तो एट्रीब्यूट्स पब्लिक नहीं होना चाहिए भाई। ये पब्लिक है तभी तुम इसको यहाँ पे दूसरे क्लास के अंदर कॉल कर पा रहे हो, यहाँ कॉल कर रहे हो ना आप, क्यों? चूंकि ये पब्लिक है। मैं डिस्कस करूँगा ये पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल, ये सारी चीज़ें होती क्या, मैं डिस्कस करूँगा। अभी तो हमारा ये दूसरा सेशन है, तो हमें जस्ट यहाँ पे ये पता करना है भाई, यदि मैं पब्लिक डाल दूंगा तो ये क्लास के बाहर जाएगा। तो पहली बात तो एट्रीब्यूट पब्लिक नहीं होना चाहिए, हटा दो। अब देखो, यदि मैंने पब्लिक हटा दिया ना, अब यदि मैं गलती से प्रोग्राम को कंपाइल कर दूं तो ये एरर आ जाएगी आपके पास। ये देखो, क्यों? चूंकि आपने पब्लिक को रिमूव कर दिया। पब्लिक का मतलब वो आपने रिमूव कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट बन गया। देखो एरर आ गई, इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल, सब में प्रॉब्लम आ गई। तो अब ये आपका काम नहीं करेगा बॉस यहाँ पे, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब, पहली बात हम लोग इसको प्राइवेट पब्लिक बना के नहीं रखते एट्रीब्यूट्स को। याद रखना, यदि मैं कुछ भी ना दूँ ना, तो जो बाय डिफॉल्ट ये हमारा हो जाता है वो क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो जाता है, प्राइवेट हो जाता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, कायदे से डिस्प्ले करने के लिए हम लोग मैथड यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर एक मैथड लगाते हैं, हम बोलते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। हमने यहाँ पर डिस्प्ले के नाम से एक मैथड डाल दिया, हमने यहाँ पर डिस्प्ले के नाम से एक मैथड डाल दिया। और ये जो हमारा मेथड है, इस मेथड के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर डिस्प्ले करवाते हैं। हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट लाइन, और जो भी आपको डिस्प्ले करना है, क्या डिस्प्ले करना है, रोल डिस्प्ले करना है, रोल डिस्प्ले करवा दो। और आपको यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, नाम डिस्प्ले करना है, नाम डिस्प्ले करवा दो। लेकिन इस रोल और नेम में आपको कुछ वैल्यू भी तो देना होगा। तो चलो मैं वैल्यू देता हूँ, अभी मैं डायरेक्ट मैं वैल्यू देता हूँ या मैं यूजर से इनपुट करवा लूँ। मैंने रोल डाल दिया और मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। तो जो भी आपने रोल और नेम डाला है वो रोल और नेम को लेके ये अपना डिस्प्ले करवा देगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसको कॉल करना है, इस मेथड को। तो मेथड को कॉल करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, के, और जो हमारा मेथड का नाम है वो है डिस्प्ले। अब यदि मैं इसे रन करूं, ये देखो, अब यदि मैं इसे रन करूं csccl2.cs, अब मैं बोलता हूं cl2, ये देखो आ गया। अब यदि मैंने इसे रन करा, ये वैल्यू हमें यहाँ पे ये डिस्प्ले कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब, ये हमारा एट्रीब्यूट्स है, ये हमारा मेथड है, और इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसे कॉल करते हैं। लेकिन अभी भी मोटे तौर पे यदि मैं बात करूँ तो ये सही तरीका नहीं है कि भाई जहाँ तुम डिस्प्ले कर रहे हो वहीं पे तुमने वैल्यू, और इस तरीके से आपने वैल्यू डाल दिया। तरीका क्या होना चाहिए कि वैल्यू डालने के लिए हम पैरामीटर्स यूज कर लें, पैरामीटर पास करें, यहाँ से कुछ डालें। तो मैं चाहता हूँ इसी को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैं करता हूँ सेव एज, और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ cl3.cs। अब मैं यहाँ पर cl3 के अंदर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको, ये हमारा मेथड है। तो इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पैरामीटर पास कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ int rl, और अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्ट्रिंग नेम या स्ट्रिंग nm, ये हम पैरामीटर डाल देते हैं। अब आप यहाँ पे क्या बोलते हो, मैं यहाँ बोलता हूँ रोल इज इक्वल टू rl और नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ nm। और ये जो रोल rl और nm है, ये पैरामीटर्स है ना हमारे, ये पैरामीटर्स को तुम जब यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू पास कर दो। मान लो मैंने रोल दे दिया और मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक। तो ये एक जेन्यून तरीका है कि भाई आपके पास मेथड है, मेथड के अंदर आपने पैरामीटर दे दिया। अब मैंने जो यहाँ पे 666 दिया वो किसको मिलेगा, RL को। जो मैंने राजीव दिया वो किसको मिलेगा, NM को। तो रोल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 666। जो नेम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, राजीव, और ये उसको डिस्प्ले कर देगा। अब यदि मैं इसको सेव करूँ और इसको मैं रन करूँ, तो ये एक जेन्यून तरीका है काम करने का। भाई एटलीस्ट आप मेथड बनाओ, उसके अंदर पैरामीटर पास करो। अब यदि मैं इसको रन करूं तो ये हमारा निकल के आ जाएगा, ये देखो। तो ये एक तरीका होता है भाई, आप हमारे क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए वो प्राइवेट होने चाहिए, जो मेथड होना चाहिए वो पब्लिक होना चाहिए। मेथड के अंदर हम सारा काम को करते हैं। भाई मैंने यहाँ पे वैल्यू भी डाल दिया और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा दिया, और ये जो वैल्यू तुम ले रहे हो, इस वैल्यू के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैरामीटर्स पास कर रहे हो। तो जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। समझ में आई बात? तो मेरे कहने का मतलब, ये क्लास है,
क्लास को जब भी यूज करना है तो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और उसे यूज करोगे। देखो इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसी प्रोग्राम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। मैं करता हूँ सेव और सेव एज, मैं यहाँ पर बोलता हूँ cl4.cs। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मेन को, देखो यदि आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगा कि मेन को हमेशा ना नॉर्मल क्लास से बाहर रखो, ये जो आपकी क्लासेस हैं इन क्लासेस से बाहर रखो, मेन को एक सेपरेट क्लास में डाल दो। लेकिन बुक्स वगैरह में आपको कुछ इस तरीके से भी मिल जाएगा, हो सकता है कि उसने कोई सेपरेट क्लास ना बनाया हो, उसने मेन को भी यहीं पर डाल दिया हो, मेन को भी यहीं पर डाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, मेन हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से होगा, हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना भाई, यहीं पे हमारे सारा कुछ है और यहीं पे आपने मेन भी डाल दिया और फिर उसी के अंदर आप इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इसलिए मैं इस अप्रोच को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन यदि हम करें भी तो कोई दिक्कत नहीं। यदि मैं इसको रन करें, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब यदि मैं इसे रन करता हूँ cl4.cs, अब मैं यहाँ बोलता हूँ cl4, अब ये हमारे यहाँ पर काम करेगा। ये देखो ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप अलग से क्लास बनाएं, आप एक काम कर सकते हैं कि एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड भी डाल दें और आप अपना काम करवा लें। अब भाई जब इतनी बातें तुमने समझ ही लिया तो अब एक चीज़ और समझ लो, यहीं पे हम बोलते हैं cl5.cs। अब आप ज़रा गौर से देखो हमारे पास, मैं इसको अलग कर देता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि मुझे ये चीज़ ना डाइजेस्ट नहीं होती है, मेन हमेशा अलग होना चाहिए, यही मेरा मानना है। ये देखो अब मैं यहाँ पे ये मेथड बनाता हूँ, ये मेथड आपने पैरामीटर्स पास कर दिया। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा मेथड बना लूँ जिसमें कोई पैरामीटर ना हो, जो हम पहले कर रहे थे, और ये मैंने बना दिया और यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको वैल्यू डाल देता हूँ 100, मैं यहाँ पर नेम डाल देता हूँ, नेम इज इक्वल टू सपोज सचिन, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, डिस्प्ले करवा दो। अब देखो ये जो डिस्प्ले मेथड है इसको कॉल करते वक्त हम यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, गेट डॉट डिस्प्ले, इसको मैं डायरेक्ट कॉल करूँगा, नाम क्या था, डिस्प्ले वन। तो दोनों मेथड में क्या अंतर है, यहाँ पे आपने पैरामीटर पास किया इसलिए कॉल करते वक्त ये वैल्यू दे रहे हो, यहाँ पे आपने कोई भी पैरामीटर्स नहीं लिया है इसलिए आप डायरेक्टली उसे कॉल कर रहे हो। अब यदि मैं इसको सेव कर दूँ, मैं इसको रन करूँ यहाँ पे cl5.cs, अब मैं यहाँ बोलता हूँ cl5, ये देखो दोनों काम कर रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे 5 6, अब जब आपने इतनी बातें कर ही ली हैं भाई, अब आपको पता है कि क्लास के अंदर एट्रीब्यूट कैसे डालोगे, क्लास के अंदर मेथड कैसे डालोगे, पैरामीटर कैसे पास करोगे, तो एक छोटी सी चीज़ और यहाँ पे समझ लो भाई, वो हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मेथड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि जो मेथड के नाम होंगे, नाम जो होंगे वो सेम होंगे, लेकिन जो इनका सिग्नेचर होगा, जो इनका सिग्नेचर होगा वो डिफरेंट होगा। सिग्नेचर डिफरेंट का मतलब जो पैरामीटर्स वगैरह होंगे वो डिफरेंट होंगे, पैरामीटर्स का जो टाइप होगा, जो उसका नाम होगा वो डिफरेंट होगा। ये देखो पैरामीटर्स के टाइप्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, पैरामीटर्स के नंबर जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। ये देखो इसका भी नाम मैं कर देता हूँ डिस्प्ले। अब तुम बोलोगे सर ये भी डिस्प्ले और ये भी डिस्प्ले, हाँ भाई क्या अंतर है, दोनों में अंतर है ना, यहाँ पे आप पैरामीटर दे रहे हो और यहाँ पे आप पैरामीटर नहीं दे रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। आप यहाँ पे ओवरलोड कर रहे हो। अब क्या है, यदि मैं इस तरीके से कॉल करूँगा, यदि मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो ये मान के चलेगा कि अच्छा आप इस वाले को कॉल कर रहे हो, और यदि मान लो मैंने यहाँ पे ये दे दिया तो ये मान के चलेगा आप इस वाले को कॉल कर रहे हो। मतलब ये अकॉर्डिंग टू पैरामीटर ये डिसाइड करता है कि कौन से मेथड को कॉल करना है। तो जब हम मेथड का नाम सेम कर देते हैं, पैरामीटर्स डिफरेंट कर देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। समझ में आई बात, यदि मैं इसे रन करूं, यदि मैं यहाँ पे इसे रन करूं, मैं बोलता हूँ cl6.cs, अब मैं बोलता हूँ cl6, अब ये यहाँ पे हमारा काम कर, क्लियर, समझ में आई बात। मैंने आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझाया, मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि क्लास कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, वेरिएबल्स कैसे डालेंगे, मेथड्स कैसे डालेंगे, मेथड के अंदर पैरामीटर किस तरीके से पास करेंगे, किस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, मेन को कहाँ पे रखना है, क्लास के अंदर, क्लास के बाहर या अलग क्लास में, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको करके देखना है।
आपके सेशंस में कुछ और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, तो आज मैं जरा उन लोगों का अता पता करता हूँ सब हैं कहाँ पे, तो मैं उनको भी डालता हूँ, तो फिर कल भी हम लोग क्लास करेंगे, ठीक है, इसी टाइम में। तो कल जब हम सेशन करेंगे, ओके सर, हाँ तो कल जब सेशन, तो ये नोट्स मैं अभी आपको डाल देता हूँ वहाँ पे, मैं ये वीडियो भी डाल दूंगा, नोट्स भी डाल दूंगा और ये आपको मेल भी कर दूंगा।